सब्सक्राइब कीजिए नवीन सोनी सर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन ऑल इन वन वीडियोज सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नवीन सोनी सर चैनल में। दोस्तों मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एसी के बारे में, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे गर्मी स्टार्ट हो चुकी है और ज़बरदस्त गर्मी है। गर्मी स्टार्ट होते ही हम क्या करते हैं, एसी चलाना शुरू कर देते हैं और अचानक हम चलाते हैं तो आपको पता है एसी कूलिंग नहीं दे पाती, तो हम सोचते हैं इसकी गैस ख़त्म हो गई होगी या और कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता, एसी में ऐसे कई कंपोनेंट होते हैं जिसको हमें साफ़ सफाई वगैरह जो होती है वो करनी चाहिए, लेकिन हम टाइम टू टाइम साफ़ सफाई नहीं करते हैं और अचानक एसी चला लेते हैं सीधे 4 नंबर पर। तो हम सोचते हैं कि अभी हवा नहीं आ रही तो इसके अंदर कई प्रॉब्लम्स हो चुकी है। हम जाते हैं सीधे दुकान वालों के पास, दुकान वाले जो होते हैं वो आपको बताइए कि किस किस प्रकार से कैसे कैसे पैसे लेते हैं, किसी चीज़ की क्या रेट बता देते हैं। तो दोस्तों इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एसी के कई पार्ट्स होते हैं उनकी साफ़ सफाई हम कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें एक अहम पार्ट होता है, वो होता है एसी का कंडेंसर। जो आप देख रहे होंगे कि जो एसी होती है उसका एक कंडेंसर होता है जो आगे की साइड में होता है, जैसे आपने घरेलू एसी देखी है तो उसका जो एक फ़ैन होता है वो ऊपर रखा रहता है, वैसे एक एसी का भी कंडेंसर होता है जो रेडिएटर के जस्ट आगे रहता है। तो रेडिएटर होता है उसको भी साफ़ करना चाहिए वाटर से, और एसी का जो कंडेंसर होता है उसको भी अच्छे से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि गैस जो होती है वो कूलिंग जो होती है वो तभी कर पाएगी जब अच्छी हवा ले पाएगी। तो अच्छी हवा ही हम उसे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो क्या करते हैं डायरेक्ट एसी चला देते हैं और जो कंडेंसर है, या आप देख रहे होंगे कि एसी के कंडेंसर के आगे साइड में जो रेडिएटर होता है उसमें भी कचरा फंसा हुआ है, तो एसी की भी कूलिंग नहीं हो पा रही है और जो गाड़ी है वो भी टेम्परेचर अच्छा ले रही है, क्योंकि टेम्परेचर तो अपने आप ही ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि जो रेडिएटर है वो भी साफ़ नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर प्रेशर से उसका सारा कचरा निकाल देना चाहिए। तो प्राइमरी स्टेज तो यही होती है कि हमें सारा सारा कचरा जो होता है वो वाटर प्रेशर से निकाल देना चाहिए, जिससे क्या होता है कि हम अच्छे से जो कूलिंग है वो हम ले सकते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी स्टेप होती है और भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें वाटर प्रेशर से कंडेंसर और उससे आगे जो उसके पीछे की साइड में जो रेडिएटर होता है उसको हम कैसे साफ़ करेंगे वाटर प्रेशर से, तो अभी आप देख पाएंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तब तक आपको नए नोटिफिकेशन जो है वो नहीं मिल पाएंगे। तो दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिए और अभी आप देखिए कि किस प्रकार से हम जो रेडिएटर होता है उसको हम साफ़ करेंगे, और रेडिएटर को साफ़ करने के साथ साथ ही हम कंडेंसर होता है उसको भी कैसे साफ़ करेंगे। तो शुरू से लेकर एंड तक आप पूरा वीडियो देखिए।